उस दिनों में बायोटेक्नोलॉजी का जो डिमांड हो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, और यही कारण है कि बहुत से लोग इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, हालांकि बहुत कमी लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, आफ्टर दैट कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी, तो अगर हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एक 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जो फोकस करता है मेनली ऑन अप्लाइंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। इट्स अ डायनेमिक फील्ड दैट ब्लेंड्स बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो जितने भी बहुत सारे के इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए आप बायोलॉजी केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग का यूज करके आप डेवलप करते हो, प्रोडक्ट्स डेवलप करते हो और प्रोसेसेस डेवलप करते हो जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो। अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें या और कोर्स सब्जेक्ट की बात करें तो जो कोर्स होता है टिपिकली कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आपके शामिल होते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड इसके साथ ही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायोस्टैटिक्स भी शामिल होते हैं। प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड है। अगर हम एलिजिबिलिटी और एडमिशन की बात करें, क्योंकि बहुत से लोग आफ्टर नोइंग दिस इंटरेस्टेड होंगे एडमिशन के लिए, तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मोस्ट कॉलेज जो है उन उस केस में आपको सिर्फ मिनिमम ऑफ 55-60% एग्रीगेट्स चाहिए होते हैं क्लास 12th में विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कोर सब्जेक्ट। वहीं अगर हम एडमिशन की बात करें तो ये आपको मेरिट लिस्ट पे होता है, मेरिट बेस्ड पे होता है, क्लास 12 के मार्क्स हो गए हैं या फिर इंटरेस्ट एग्जाम भी होते हैं लाइक CUT, ICAR, AIEE और SAAT, ये कुछ इंटरेस्ट एग्जाम है जो कि कंडक्ट कराए जाते हैं इसमें एडमिशन के लिए। वहीं अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट उसके पास एक वास्ट एरिया होता है करियर ऑप्शन का अक्रॉस वेरियस सेक्टर लाइक कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे आप रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन का काम होता है वहाँ पे आपको। हेल्थ केयर में बात करें तो मेडिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में आप काम कर सकते हो। इसके साथ आप एग्रीकल्चर में भी अच्छा करियर बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बायोफर्टिलाइजर का बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम फूड इंडस्ट्री में बात करें तो फूड प्रोसेसिंग में हो गया, क्वालिटी कंट्रोल एंड फूड सेफ्टी में हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट और बायो रिमीडिएशन इंक्लूडेड होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च लैब में आप वर्क कर सकते हो। स्किल डेवलप्ड की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको डेवलप करने होंगे, स्किल ये सब कुछ स्किल है जो आपको डेवलप होने चाहिए। लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, इथिकल कंसिडरेशन इन बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है विथ इमेंस पोटेंशियल एंड विथ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जो डिमांड है स्किल्ड बायोटेक्नोलॉजिस्ट का वो एक्सपेक्टेड है टू राइज सिग्निफिकेंटली। तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर हम ऐसे में हम टॉप बायोटेक्नोलॉजी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस की बात करें तो ये हालांकि आपके लोकेशन, आपकी फ़ी आपके अनुसार वेरी कर सकता है, बट फिर भी हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट या फिर टॉप कॉलेजेस की बात करें उसमें अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड फॉर इट्स एकेडमिक एक्सलेंस एंड अवार्ड स्टूडेंट बॉडी। सेकेंड है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है एंड जो कि ऑफर करता है स्पेशलाइज कोर्सेज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, एक खुद नोन है फॉर द ईस्ट स्ट्रॉन्ग रिसर्च फोकस। एंड नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जो कि दैट्स ऑफर अ कम्प्रहेंसिव बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि एक प्रोवाइड करता है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये हर एक जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनका अपना एक कुछ कोर्स फोकस है जिसके अनुसार वो जाने जाते हैं उस चीज़ के लिए। वहीं अगर हम कुछ प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में एंड MIT यूनिवर्सिटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जाने जाते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग। तो ऐसे में आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके अपने लेवल पे इसे चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है।